हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ मैं लेमन प्लांट के ऊपर। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करे और हमने उस पर पूरा ध्यान रखते हुए पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है लेमन प्लांट के ऊपर। उसकी केयर कैसे करनी है, कौन से सीज़न में वो फ्रूटिंग देगा, सबसे ज़्यादा कब देगा, उसको पानी कैसे देना है, उसका फर्टिलाइज़र क्या रहता है, उसको एयर लेयर से कैसे एक प्लांट से दो प्लांट बनाने और उसको बीजों से कैसे उगाना है, पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अब दोस्तों, मेरा सवाल और आपका एक जवाब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने कभी लेमन प्लांट को उसके बीजों से उगाया है, मतलब सीड से कभी लेमन प्लांट ग्रो करा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ओके, अब लाइक टारगेट की बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों, इतनी मेहनत के साथ अगर आप वीडियो बनाते हैं और अगर आपको लाइक नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक, ठीक है, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 5000 लाइक। चलिए अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, लेमन ग्राफ्टिंग। और दोस्तों, लेमन ग्राफ्टिंग क्यों करी जाती है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्लावरिंग के साथ हमारे लेमन भी आ रहे हैं और ये दोस्तों एक मैच्योर प्लांट के अंदर ही पॉसिबल है। और अगर आपके लेमन प्लांट के अंदर ना तो कभी फ्लावर आया है और अगर आए हैं तो वो सब गिर रहे हैं, उसका मतलब ये है प्लांट अभी मैच्योर नहीं हुआ है, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में अभी उसको टाइम लगेगा। तो आपका प्लांट सीड से ग्रो करा गया है और वो कम से कम 3 से 4 ईयर लेगा, बट आप इसको कम कर सकते हैं, इस समय को आप कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर प्लांट देख रहे हैं, ये सीड ग्रो है दोस्तों और इसको करना कुछ नहीं है, आपको इसकी सारी ब्रांचेस रिमूव करनी है, सिर्फ एक मेन ब्रांच के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है और वो दोस्तों सेमी वुड होनी चाहिए, मतलब हल्की ग्रीन होनी चाहिए और हल्की सी ब्राउन होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस रहेगी। तो यहाँ पर बस आपको शार्प कटर से एक कट लगाना है और उसके बाद आपका ग्राफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अपने टूल को हमेशा सैनिटाइज करके ही यूज़ करें जब भी आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इससे वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। और आपका टूल शार्प भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिससे हमारी ग्राफ्टिंग का कट एक ही बार में इजीली लग जाए। ठीक, अब यहाँ पर आपको स्लाइटली 1 इंच के आसपास अपनी मेन ब्रांच को बीच में से डिवाइड करना है क्योंकि हम मैच्योर प्लांट की ब्रांच को इसके ऊपर ग्राफ्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, मैच्योर प्लांट में आपको सेम साइज़ की ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिससे ग्राफ्ट ईजिली सक्सेसफुल हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक सेंटर में जो मेन ब्रांच है उसे सेलेक्ट किया है। ग्राफ्टिंग के लिए दोस्तों आपको 5 से 6 इंचेस की ब्रांच इनफ रहेगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर नियरली 5 इंचेस के आसपास की एक ब्रांच कट कर देते हैं। हम इस ब्रांच को दोस्तों एक वी कट देंगे जिससे हमारी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर ये इजीली मर्ज हो जाए और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहे। अब दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आप थोड़ा सा स्पीडली करना क्योंकि ब्रांच सूखनी नहीं चाहिए। ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर आपकी ब्रांच बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए और उसके बाद आप उसको टाइटली पैक करेंगे ग्राफ्टिंग टेप की मदद से। अच्छे से टाई अप करने के बाद आप इसको एक पॉली बैग से कवर करिए जिससे इसका अंदर का मॉइस्चर बिल्कुल भी उड़े ना। और उसके बाद दोस्तों, आप अपने प्लांट को एक शेडी एनवायरनमेंट में रखेंगे जब तक प्लांट के अंदर न्यू ग्रोथ नहीं आ जाती है, मतलब हमारे ग्राफ्टिंग पार्ट के अंदर न्यू ग्रोथ नहीं आ जाती है। नंबर टू, गेटिंग मैक्सिमम लेमन। अब दोस्तों, लेमन प्लांट के ऊपर लेमन्स लेना इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको करेक्ट ट्रीटमेंट देना है अपने प्लांट को और आपका प्लांट आपको बहुत सारे लेमन्स दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे लेमन के प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ग्रीन कलर के लेमन आ रहे हैं, बट ये इस स्टेज से नहीं, मैं आपको फ्लावरिंग की स्टेज से बताता हूँ हमारा प्लांट को क्या ट्रीटमेंट दिया और इसने इतने सारे लेमन कैसे प्रोड्यूस करे। लेमन प्लांट के ऊपर आपको लेमन लेने हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपको उसकी सॉइल का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारा प्लांट पॉट के अंदर है और पॉट में बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी सॉइल की गुदाई करनी है और ये आपको हर 15 से 20 दिन में करनी ही है, बाकी आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब आपके लेमन प्लांट को ऐसी सॉइल पसंद है जो थोड़ी सी लूज़ हो और जिसमें पानी बिल्कुल भी ना टिके, इसलिए आप सॉइल की गुदाई करेंगे तो आपका वाटर सॉइल के अंदर ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं होगा। अब दोस्तों, सॉइल की गुदाई अच्छे से करने के बाद आपको उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है आपको एवरी 20 से 30 डेज़ के अंदर।
सारा प्रोसेस सही तरीके से करने के बाद दोस्तों आपका लेमन का प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लीफ प्रोड्यूस करेगा। और लीफ प्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग आ चुकी है। फ्लावरिंग आएगी तो हमारे पास छोटे छोटे लेमन आ जाएंगे, बट उससे पहले दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके लेमन प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आ जाए अब आपको प्लांट को हिलाना नहीं है अपनी जगह से। आपके लेमन के प्लांट को इधर उधर हिलाना इसलिए नहीं है क्योंकि उसके फ्लावर बहुत ही लूज़ होते हैं और फटाफट से नीचे गिर जाते हैं। अब दोस्तों आपको वेट करना है नेचर का, जब नेचर से कोई भी मधुमक्खी या फिर पॉलिनेटर आएंगे और आपके लेमन के प्लांट के ऊपर बैठकर इधर से उधर पॉलिनेट करेंगे। अब दोस्तों ये प्रोसेस पूरा नेचुरल है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आसपास फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं जिससे मधुमक्खियाँ या फिर भंवरे वगैरह आकर्षित हो आपके गार्डन की तरफ। और आपके लेमन के प्लांट को दोस्तों फुल सनलाइट में रखने के साथ साथ आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर इनका एक्सेस बहुत इजी हो, मतलब बालकनी में नहीं रखना है, आपको टेरेस में रखना है और टेरेस के भी ऐसे कोने में रखना है जहां पर काफ़ी अच्छी हवा चलती हो और इन पॉलिनेटर्स को पता चल जाए कि लेमन प्लांट के ऊपर फ्लावर आ गए हैं और हम जाकर उनको पॉलिनेट या फिर उसका पराग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप हनी का यूज़ भी कर सकते हैं, आप एक चम्मच एक लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व करके अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पॉलिनेटर्स डेफिनेटली उसके ऊपर आकर्षित होंगे। पॉइंट नंबर 3, वाटरिंग लेमन प्लांट। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग कहते हैं ज़्यादा पानी देने से आपका लेमन के प्लांट में फ्लावरिंग गिर जाएगी, फ्रूटिंग गिर जाएगी, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको वाटर बिल्कुल कंट्रोल्ड देना है जिससे आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नीचे नहीं गिरे। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपका लेमन का प्लांट बिल्कुल ही आप छोड़ दें और बिल्कुल भी 10-15 दिन तक वाटरिंग नहीं दें, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लेमन प्लांट के ऊपर वॉच रखनी है, नज़र रखनी है, जब भी उसके हल्के से लीफ मुड़ने लग जाए आपको उसे भरपूर वाटर देना है जिससे वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर सके और छोटे छोटे लेमन बना सके, क्योंकि दोस्तों लेमन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर होता है और अगर आप प्लांट को वाटर ही नहीं देंगे तो वो लेमन डेफिनेटली गिरा देगा। तो एक बार जब पॉलिनेटर अपना काम करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको वाटरिंग एकदम कंट्रोल देनी है, मतलब आप 2-3 दिन में एक बार वाटर जरूर देना, इससे आपके लेमन के अंदर भी काफ़ी अच्छा वाटर आएगा और आपके प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा लेमन प्लांट को बिल्कुल भी वाटर मत दीजिए, वो फ्रूटिंग पर आ जाएगा, फ्लावरिंग कर देगा, बट दोस्तों क्या आपने नोटिस करा है रेनी सीजन में ही आपके सबसे ज़्यादा लेमन आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी भरपूर मिलता है हमारे लेमन प्लांट को और वो अपने लेमन बड़े बड़े कर सकता है। चलिए दोस्तों मैं तो कुछ लेमन हार्वेस्ट कर लेता हूँ, बट आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने अपने लेमन प्लांट पे मैक्सिमम कितने लेमन हार्वेस्ट करे हैं। और मेरा रिजल्ट दोस्तों ये है कि हमने इस प्लांट से कम 20-30 लेमन हार्वेस्ट करे हैं। अब दोस्तों आपको लेमन हार्वेस्ट करने हैं अपने ही गार्डन में तो आपको प्लांट बहुत ही इंटेलिजेंट वे में सेलेक्ट करना होगा। अब इंटेलिजेंट वे कैसे, मतलब आपको वो प्लांट सेलेक्ट करना है जिस प्लांट पर लेमन पहले से ही आ रहे हो, मतलब वो प्लांट मैच्योर प्लांट है और उस प्लांट की कॉस्ट कम से कम 200 रुपीज़ से ज़्यादा होगी तभी आपका लेमन का प्लांट आपको लेमन देगा। अगर 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का आपने प्लांट लिया है तो डेफिनेटली आपको सिर्फ फ्लावरिंग मिलेगी, फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। चलिए कुछ लेमन और हार्वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ मैच्योर लेमन ही हार्वेस्ट करने हैं, जो ग्रीन ग्रीन है उनको आप प्लांट पर ही रहने दीजिए, वो प्लांट पर ही येलो होंगे और उसके बाद ही आप हार्वेस्ट करेंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा आपको रस मिलेगा और ज़्यादा लेमन वाटर मिलेगा। हमने दोस्तों काफ़ी सारे लेमन हार्वेस्ट कर लिए हैं, अब और वेट करते हैं फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक आने का। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र। यहाँ पर दोस्तों इसको प्रिपेयर करना बहुत आसान है, आपको 100 ग्राम के आसपास मस्टर्ड केक लेना है और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखना है, वो भी 24 घंटे के लिए। 24 आवर के बाद दोस्तों आपको इसको एक बाउल में छानना है और आपको एक लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट को सेपरेट करना है कुछ इस तरीके से। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र एक सुपर फर्टिलाइज़र है दोस्तों लेमन प्लांट के लिए, ये दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, आपके लेमन को अच्छे तरीके से ग्रो होने में मदद करेगा, आपके फ्रूट्स गिरेंगे नहीं और प्लांट के अंदर ओवरऑल पावर देगा जिससे
इसकी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सॉइल चेक करनी है और सॉइल की खुदाई करके आप अपने 100 से 200 ग्राम का जो भी अपने मस्टर्ड के छाना है और अपने प्लांट को देना है, और ये पूरा प्रोसेस आप एवरी 30 डेज के बाद कर सकते हैं। नंबर 5, ग्रो लेमन फ्रॉम सीड्स। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लेमन जो ग्रो कराया वो कितना बड़ा हो गया और इसमें अब कांटे भी आने लग गए हैं। बट वार्निंग है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 ईयर लेगा अगर आपने इस पर ग्राफ्टिंग नहीं करी तो। चलिए सीख लेते हैं किस तरह से लेमन को ग्रो करना है सीड से। यहाँ पर दोस्तों आपको एक मैच्योर लेमन लेना है और उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कट करना है जिससे हमारे सीड्स कटे ना, ठीक है। और उसमें से आपको मोटे मोटे और हेल्दी सीड्स निकालने हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 सीड्स सेलेक्ट कर लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ पर हम सीड्स ग्रो करने के लिए स्मॉल स्मॉल पॉट ही यूज़ करेंगे, और क्योंकि इनका दोस्तों देखभाल करना बहुत आसान होता है। और यहाँ पर सॉइल मिक्स भी दोस्तों बहुत आसान है, 50% सॉइल है और 50% सैंड है। इससे दोस्तों मॉइस्चर अच्छा से मेंटेन रहेगा और ज़्यादा पानी भी स्टोर नहीं होगा। सीड्स को हम नियरली 1 इंच डीप लगाएंगे और बस वाटर डाल के थोड़ा सा वेट करेंगे इनकी ग्रोथ का, और देखते हैं हमारे लेमन के सीड्स कितने दिन में बाहर आते हैं। फाइनली दोस्तों हमारे लेमन के सीड्स ने काफ़ी अच्छे जर्मिनेशन दी और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और दोस्तों मैंने बहुत सारे सीड्स उगाए थे, उनका रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके लेमन के प्लांट ट्रू लीफ डेवलप करने लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी है और आप एक बड़े से गमले के अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नंबर 6, LR लेमन प्लांट। और दोस्तों ये प्रोसेस तभी करा जाता है जब आपको बहुत ही जल्दी एक मैच्योर प्लांट के जैसे ही फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग चाहिए। मतलब अगर आपके आसपास कोई भी एक बड़ा सा लेमन का ट्री है जो फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग दे रहा है और कंटिन्यूसली दे रहा है और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको LR करना है। और मेथड आप देख लें आप कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है और साइज़ आप दोस्तों कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट कट लगाना है, कम से कम 2 इंचेस के आसपास का होना चाहिए, और एक राउंड कट लगाना है जहाँ पे आपका फर्स्ट वाला कट खत्म हुआ है उसी के एंड में और स्टार्टिंग में आपको राउंड कट लगाना है जिससे आप उसका बार्क निकल सके। बार्क मतलब आप लेमन प्लांट की छाल को रिमूव करेंगे। यहाँ पर देख लें आप किस तरह से हमने इजी वे में लेमन प्लांट की बार्क निकाल दी और मेन ब्रांच को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। बस आपको भी सेम ऐसे ही करना है। रूट्स ग्रो करने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट मीडिया होता है स्नेगनम मॉस और कोकोपीट। यहाँ पर दोस्तों इसी का यूज़ करेंगे हम हमारी LR मेथड के अंदर। अब दोनों को मिक्स करके हम इसमें वाटर मिला देंगे जिससे मॉइस्चर होल्ड हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आपको सारा सॉइल मिक्स लेना है, एक पॉलीथीन बैग के ऊपर रखना है और अपने जहाँ पर कट लगाया है उसके ऊपर इसको हम रैप कर देंगे। यहाँ पर आप मेथड देख लीजिए दोस्तों, सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर इसको स्टक कर देंगे एक टाई की मदद से और बस हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, रूट्स ग्रो होने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए इस स्नेगनम मॉस के अंदर। सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों आप यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी रूट्स जलेगी नहीं। फाइनली दोस्तों हमारा LR का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है 30 डेज के बाद, और यहाँ पर हमें रूट्स नज़र आ रही है और एक रूट तो सॉइल के अंदर भी जा चुकी है। चलिए इसको कट करके रिमूव करते हैं। चलिए दोस्तों सॉइल मिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं और यहाँ पर हम दोस्तों 60% सैंडी सॉइल ले रहे हैं, मतलब सॉइल के अंदर सैंड इक्वल अमाउंट में मिक्स है। और यहाँ पर दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए रूट्स चेक कर लेते हैं, और ऑफ सीजन में दोस्तों आपको थोड़ी सी कम रूट्स मिलेगी इन कंपेरेटिव रेनी सीजन। अगर आपकी रूट्स कम बनी है तो डेफिनेटली आप उसको एक थ्रेड की मदद से टाई अप कर दीजिए और बस उसको ग्रो कर दीजिए सॉइल के अंदर, और आपका प्लांट रेडी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका प्लांट कुछ दिनों के लिए शेड में रहेगा जब तक उसके अंदर न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आती है। LRing के बाद दोस्तों आपके प्लांट की रूट्स अभी इतनी फैली नहीं है कि आपका प्लांट स्टेबल रहे, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करें और अपने प्लांट को स्टेबल बना दिए कुछ दिनों के लिए। एंड दोस्तों कुछ दिनों के बाद का अपडेट है, यहाँ पर हमारे स्टोन अंदर की तरफ धस चुके हैं और यहाँ पर आप देखें कितने सारे इसके अंदर फ्लावरिंग अभी भी आ रहे हैं और लीफ सारी हेल्दी है और स्मॉल स्मॉल हमारे पास अभी लेमन भी अवेलेबल हो गए हैं। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ ना कुछ आपने नॉलेज गेन ज़रूर करा होगा। तो डेफिनेटली अपने लेमन प्लांट के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करिए और डेफिनेटली बहुत सारे लेमन्स आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।